फेस स्मूथ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमको और आप लोग भी प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम दूर कैसे करते हैं? ठीक है, आप लोग बहुत सारा वीडियो देख चुके हैं, बहुत लोगों ने बता भी दिया आप लोग को, बहुत तरीके से आप लोग को समझा भी दिया, आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है। तो आज का वीडियो सिर्फ उसी पर होने वाला है कि मैं अच्छे से तरीके से आप लोग को कैसे बताऊँ कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, एंड इतना तो कर सकता हूँ कि मैं आप इतना समझा सकता हूँ कि मैं अपने जैसा मेरे जैसा फ़ोटो आप स्मूथ कर सकते हैं, मेरे जैसा फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सेम उसी टॉपिक पर आज वीडियो होने वाला है। आप लोग को इसमें प्रॉब्लम जो हो रहा है ना उसको सॉल्व करके आप लोग को हम दिखाएंगे, एंड कुछ इस तरीके से फेस स्मूथ एंड इस तरीके से फेस स्मूथ करके आप लोग एकदम 100% गारंटी देते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है ना कि आप लोग कई लोगों का वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे फेक लोग वीडियो बता रहे हैं। मैं YouTube पे बहुत जाकर चेक करता हूँ तब आप लोग को वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जैसा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे जैसा आप लोग को कोई नहीं बताता होगा। मैं पूरा यूट्यूब का छान मार के यहाँ पर वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में चैनल पर नया हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ना, ये रहा बवाल तरीके से जो मैंने स्मूथ किया था। इसी फोटो को मैं इसी तरह मैं एडिट करके आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं मेरा ओरिजिनल पिक है, इतना बेकार है कि आप लोग देख भी नहीं, कितना बेकार है यार। तो इस फोटो को मैं एडिट करके सेम ऐसे आप लोग को दिखाऊंगा, वो भी बहुत कम समय में, इतना आसान करके कि वैसा आप लोग कोई बताया नहीं होगा आज तक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओरिजिनल पिक होगा ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा ना गाइस, यहाँ पे फटाक से आप लोगों को क्या करना होगा, शेयर कर लेना होगा लाइट रूम में। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रूम में शेयर कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे लाइट रूम में शेयर हो चुका है, तो थोड़ा बहुत प्रोसेस लेता है। ठीक है ना, मोबाइल स्लो रहता है तो प्रोसेस लेता है, एंड देन देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस लेके यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब मैं आप लोग को एक प्रीसेट दे दूंगा। ठीक है ना गाइस, इस प्रीसेट को सिंपली आप लोग को यूज कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं ये रहा प्रीसेट, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप लोग फटाक से क्या करना है ना, यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेना आप लोग। यहाँ से देख सकते हैं कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा एंड डन कर लीजिए। ठीक है, सिंपली बैक आ जाइएगा एंड जो भी आपका फोटो होगा ना उस फोटो को लेके फटाक से 3 डॉट पे क्लिक करके एंड देन यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कोई प्रीसेट नहीं देता होगा जितना मैं प्रीसेट देता हूँ आप लोग को। तो ये देख सकते हैं, क्लिक में देख सकते हैं कैसा फोटो हो गया ना। तो ये रहा मेरा राज। ठीक है ना, यहाँ पे इसके आगे मैं आप लोग को स्मूथ करके दिखाऊंगा, एंड देन यहाँ पे रियल तरीके से स्मूथ, यहाँ लास्ट में बताया हूँ कि किस तरीके से वो वाइटनिंग दिया हूँ जो फुल HD में हुआ है मेरा फोटो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग क्या करना, सिंपली का यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर लेना है, एंड देन यहाँ से भी शेयर पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा ऐप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है ना, स्केच बुक को चूज कर लेना है, एंड देन स्केच बुक को चूज करने के बाद सिंपली का यहाँ पे आप डिस्क्रिएट कर देना है। डिस्क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, मतलब इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए स्मूथ तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हाई क्वालिटी नहीं होता है। यहाँ पे हाई क्वालिटी आप लोगों को देने के लिए आप लोगों को बाद में आप लोगों को एक ट्रिक यूज मैं बताऊंगा जो हाई क्वालिटी कर देता है। ठीक है ना गाइस, कितना क्वालिटी फट जाएगा। यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई जो आपका मैं यहाँ जा रहा हूँ तो फट जा रहा है, वहाँ जा रहा हूँ तो फट जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं कैसे हाई क्वालिटी देने का मैं बताता हूँ, बस आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए ना, 3 डॉट पे यहाँ पे लाइब्रेरी को चूज कर लीजिएगा, एंड लाइब्रेरी चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ब्रश को आप लोग चूज कर लीजिएगा, मिल जा भाई मिल जा, यहाँ पे ये वाला ब्रश को आप लोग चूज कर लीजिएगा। ठीक है ना, एंड सेटिंग को कुछ इतना रख लीजिएगा, देख सकते हैं इतना रख लीजिएगा सेटिंग को, एंड देन डन कर लीजिएगा। ठीक है ना, डन करने के बाद फोटो को जूम कर लीजिएगा। ठीक है ना, जूम करने के बाद यहाँ से ब्रश को गोल गोल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे मैं घुमा रहा हूँ आप लोग को दिख रहा होगा इस एक स्क्रीन पे। तो ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे आप लोग घुमाएंगे ना तो एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से घुमाते हैं तो आप लोग भी ऐसे घुमाते हैं लेकिन ब्लैक आ जाता है, तो टेंशन मत लीजिए, उस ब्लैक को भी मैं हटा के दिखाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो गया, उसी एक्सपीरियंस की वजह से मेरा ब्लैक नहीं आता था, पहले तो ब्लैक आता था लेकिन अभी नहीं आता है। ठीक है ना, तो इस वजह से मेरा ब्लैक नहीं आता है, कितना बेकार करने की कोशिश करते हैं ब्लैक नहीं आता है। तो आप लोगों का ब्लैक आ जाता है तो उसको भी हटाने का मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, आपका आदित्य भाई आ गए ना आप लोगों के बीच, यहाँ पे सारा डाउट क्लियर करके आप लोगों को जाऊँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, कितना अच्छा, यहाँ पर थोड़ा भी टाइम नहीं लग रहा है, एकदम फास्ट तरीके से हो रहा है। और सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा फास्ट यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, फास्ट कर लूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से लोग फास्ट करना चाहते हैं। तो
तो यहाँ पे आप फास्ट भी कर सकते हैं इस ब्रश को चूज करके, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही ये इकलौता ब्रश है जो आप लोग इससे फास्ट स्मूथ कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका भाई कितना अच्छे तरीके से बता रहा है एंड कितना अच्छे तरीके से स्मूथ करके भी दिखा रहा है। यहाँ पे फाइनली गाइस फेस स्मूथ हो चुका है, तो बाकी का जो बचा है फेस स्मूथ करने के लिए, चलिए फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आपका भाई एकदम आपके सामने स्मूथ करके, थोड़ा फास्ट हुआ लेकिन आपके सामने एक एक जगह आप लोगों को दिखा होगा कि मैं कैसे स्मूथ किया हूँ। तो सेम तरीके से आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई आप लोग का आगे का दूसरा प्रोसेस नहीं सोचना है, सेम फोकस करना है आप लोग को स्मूथ करने पे। एंड एकदम टाइम देके स्मूथ करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसा स्मूथ कर लेंगे। एंड देन आगे का ये बात आ जाता है कि आपकी आगे क्वालिटी फट जाती है जो भी आगे का प्रोसेस आप करते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे फटाफट से पहले लिप को कलर करना मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग लेयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोग लेयर बना लीजिएगा, एंड फिर से लेयर पे क्लिक करके एंड देन यहाँ से नॉर्मल क्लिक करके सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा। हर वीडियो मैं यही बताता हूँ। एंड कलर आप लोग चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको कलर आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिएगा। पिंक मैं रखता हूँ हमेशा। एंड पिंक रखने के बाद यहाँ से ये वाला ब्रश आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड इस ब्रश वाले चूज करने के बाद यहाँ से फोटो को जूम करके अपने लिप पे ब्रश को छोटा करके एकदम अच्छे तरीके से चला लेना। देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है मेरे जो भी लिप है, कितना ग्लो कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही राज है मेरा लिप का, ठीक है ना, यही राज है मेरे लिप के। तो ऐसे अगर कहीं पे एक्स्ट्रा आ जाता है तो यहाँ पे इरेज वाला आइकन चूज करके यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इरेज हो गया है, ठीक है, आपका सामने, ठीक है। एंड देन इतना होने के बाद यहाँ से आपका सारा प्रोसेस यहाँ फाइनल डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग कुछ करना नहीं है, सिंपली का आप लोग को क्या करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके एंड यहाँ से शेयर पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लेना है। एंड देन अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को जो भी ऐप होगा खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पिक्सार्ट को चूज कर लेना है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे पिक्सार्ट में कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है, हेयर को बनाना है। एंड हेयर को बनाने के बाद देख सकते हैं यहाँ रिटच पे क्लिक कर लेंगे एंड लास्ट में आ जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आसानी से इस वाले ब्रश को यहाँ पे, इस वाले मैंने ऑप्शन को मैं हम हर बार बताता हूँ, यहाँ यहाँ 10 रख लीजिएगा, पावर को 10 रख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो भी अपने ऊपर के साइड ड्रे करेंगे तो आपका हेयर स्ट्रेट हो जाएगा लगभग लगभग, मतलब स्टैंड पॉइंट में हो जाएगा और आपका हेयर भी अच्छे दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते कितना अच्छे तरीके से हेयर भी हो गया, ठीक है ना। एंड हेयर होने के बाद यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड सिंपली करिए आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ से आप लोगों को फटाक से शेप पे क्लिक करके आप लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी फटता है। तो ये तरीका से अगर अपनाते हैं तो आपको क्वालिटी नहीं फटेगा, आप देखते रहिए। बस यहाँ से आप लोग शेप पे क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख जाएगा अदर पे, ठीक है ना। यहाँ से अदर पे क्लिक करके एंड आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए ना, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे स्नैपशीट को चूज कर लीजिएगा एंड स्नैपशीट में आपका फोटो एंड डन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड स्नैपशीट में फोटो जब भी आ जाएगा आपका, यहाँ से स्नैपशीट में आपका फोटो जब भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है ना, आप लोग को यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन दिख जाएगा टूल्स का, तो यहाँ से टूल्स पर क्लिक करके आप लोग सिंपली गाइस ये वाला ऑप्शन खोल लीजिएगा। एंड आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ग्रेनी फिल्म का एक ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखा हुआ है जो गोला किए हैं, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड देन ऊपर वाला ऑप्शन को आप लोग को एकदम सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 2 या 3 रखना है, ठीक है ना। एंड नीचे वाला को आप लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिटी देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखा है स्टाइल स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं कितना HD कर रहा है। आप लोग देखिए आपके सामने HD कर रहा है, यहीं से लोग स्किन वाइट करते हैं, आप लोगों को कोई बताता नहीं है। तो यही राज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे था मेरा फोटो, और इसको बढ़ाते हैं तो देखिए फटाक से देखिए कितना अच्छे तरीके से बवाल तरीके से आपका एकदम फेस स्मूथ हो गया। एंड रियल तरीका मेरा यही था, मेरे इसी तरीके को अपना कर मैं फेस स्मूथ करके आप लोग को दिखाया था, एकदम सेम टू सेम यही है। एंड यही अगर क्वालिटी आपका कम हो जाता है ना तो यहाँ पे इसको जितना बढ़ाते हैं, आपका क्वालिटी जितना चाहिए उतना आप लोग क्वालिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा है राज, ठीक है ना। तो ऐसा अगर आप लोगों को कोई बता दिया, मैं 100% दावा करता हूँ कि ऐसा आप लोगों को कोई यूट्यूब पे नहीं बताया होगा जैसे मैं बताया हूँ। तो चलिए देख सकते हैं ना, एकदम राज खोल के रख दिया हूँ। तो चलिए अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे राज मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।